देखिए, अगर ये जड़ी बूटी आपको कहीं पे ही मिल जाए, ये जो आप जड़ी बूटी देख रहे हो, इसको दिखाया जा रहा है, तो इससे आपके दांतों के सारे रोग दूर हो जाने वाले हैं और दांत आपके इतने मजबूत हो जाएंगे कि चीर देंगे। इस तरह से देखिए लकड़ी को भी, ये लकड़ी देख रहे हो तो ये इस तरह है, आपके भी दांत इतने मजबूत हो जाएंगे, लकड़ी को भी ऐसे चीर देंगे। तो मैं डॉक्टर संदीप योगाचार्य अभी आपको बताऊंगा इस जड़ी बूटी का नाम क्या है, और जिनको भी दांतों में पायरिया की समस्या हो, दांतों से बदबू आती हो, दांत जिनके जो है कमज़ोर हो चुके हों, मसूडों से खून आता हो, या इस तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आपको, तो खाली एक या जड़ी बूटी कहीं पे भी आपको अगर मिल जाए, देखिए ये जड़ी बूटी का नाम भी मैं आपको बताऊँगा और इसका प्रयोग भी आपको बताऊँगा। ये जड़ी बूटी को आपने ऐसे उखाड़ लेना है, इस तरह से हमने उखाड़ ली है, और ये देखिए इसकी जड़ होती है, ये जड़ सबसे लाभकारी है। वैसे इसके पत्ते जो पंचांग आप देख रहे हो, ये भी अच्छे होता है। और इसकी पहचान क्या है, ये देखिए किस तरह से, ये इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, ये देखिए ये कांटे आप देख रहे हो, ये कांटे इस तरह से होते हैं। तो इस जड़ी बूटी का नाम भी बताऊंगा, पहले मैं इसका प्रयोग आपको बता देता हूँ। दिखाइए, चाकू दिखाइए। तो इस तरह से आपने इस जड़ी बूटी को उखाड़ लेना है, उसके बाद चाकू से इसको हम छोटा इस तरह से कर लेंगे, यह हमने छोटा कर लिया अभी। और छोटा करने के बाद इसकी जो ये जड़ है, यह जड़ इतनी रामबाण चीज़ है दांतों के लिए, तो सबसे बेस्ट मानी गई है। देखिए पहले मेरे को जो मैं ये समस्याएं बता रहा हूँ, जैसे दांतों से ब्लड आना, मसूडों से खून आना, या फिर जो है दांत का कमज़ोर होना, दांत में गर्म ठंडा लगना, या इस तरह की कोई भी जो समस्या थी है या खुद मुझे हुआ करती थी, तो एक सन्यासी हमारे गांव में हुआ करते थे, उन्होंने बताया था बेटा आप कुछ दिन जो है इस जड़ी बूटी को इस तरह से प्रयोग कर लो तो आप ठीक हो जाओगे। मैंने किया तो मेरे को पहले दिन से इतना ज़बरदस्त लाभ मिला, तब से ही फिर मैंने इसका बड़ा प्रचार शुरू कर दिया था। तो अब इसको क्या करना है, आपने वाश कर लेना है। ये देखिए पानी आप देख रहे हो, इसमें हमने थोड़ा इसको वाश कर लेंगे, हमने जैसे इस जड़ी बूटी को उखाड़ लिया है। तो उसके बाद आपने इसकी दातुन, जैसे हम करते हैं ना दातुन में, तो क्या है हम इस तरह से घिसाते हैं, आपने इसका जो रस है उसको दांतों में रखना है, कम से कम 5 मिनट तो अवश्य रखना। कैसे रखेंगे ये देखिए, तो इसके हमने चबा लेना अच्छी तरह से, इसको इस तरह से कम आपने 3-4 मिनट तक चबाना है। उसके बाद क्या है, इस जड़ी बूटी को बोलते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग, वैसे तो नाम है, वो आप कमेंट करके लिखाओगे, इसको बोलते हैं चरचिट्टा बोलते हैं, अपामार्ग बोलते हैं, और भी कई देश की अन्य भाषाओं में अलग अलग नाम है इसके। तो आप सबको जो है, जिन जिन को इस जड़ी बूटी का नाम का पता है, तो वो कमेंट भी करेंगे इसमें, लिखेंगे भी कि इस जड़ी बूटी का नाम क्या है, ताकि सबको इस जड़ी बूटी का पता लग सके। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह बहुत मात्रा में पाई जाती है, जगह जगह पर पाई जाती है, तो कहीं पर भी आपको आराम से मिल जाएगी। और इसके और भी अन्य औषधीय प्रयोग है, जिस महिला को अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ को जो आपने क्या करना है, बांध देना है वहाँ पे किसी भी धागे के साथ, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कूट करके इसका अगर पेडू पे यूट्रस के पास अगर आप लेप लगा लेते हो डिलीवरी से पहले, तो उससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। परंतु इसमें सावधानी क्या रहेगी, डिलीवरी के तुरंत बाद उस लेप को उतार देना है, नहीं तो यूट्रस को नुकसान हो सकता है। तो छोटी छोटी सावधानियों के साथ इस जड़ी बूटी का जो मैंने प्रयोग बताया है, इस तरह से आपने इसको 3-4 मिनट चबा करके इसका जो रस है उसको दांतों में घुमाना है, तो आपके भी दांत इतने मजबूत हो जाएंगे। देखिए इस तरह से लकड़ी को भी चीर देंगे। तो यह मैं कोई आपको सपना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ पूरा रियलिटी में बोलता हूँ, उन चीज़ों को मैं खुद भी अपनाता हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, जब मैंने 20 साल से कोई भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया है, इसी तरह से जड़ी बूटियाँ का प्रयोग करते हुए, अच्छी डाइट लेते हुए, योगाभ्यास करते हुए मैं खुद स्वस्थ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत स्वस्थ हो जाए, हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है, इन जड़ी बूटियों में बहुत ताकत है, आपको इनको प्रयोग करना है। तो किसी को भी दांतों की अगर समस्या है तो आप प्रयोग कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे।